जय हिंद। BSL एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा, और जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जियोलॉजी तो इसे हिंदी में भू विज्ञान कहा जाता है। भू विज्ञान है ना, भू विज्ञान। तो यानी कोई भी स्टूडेंट जो झारखंड से बिलोंग करता है और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखा है, आपके सामने तीन ऑप्शन रहता है ऑप्शनल पेपर के रूप में। एक तो आप जियोलॉजी रख लीजिए, मैं क्लास 12 का बात कर रहा हूँ, जो बच्चे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी IC में एडमिशन लिए हैं, और ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखे हैं। दूसरा ऑप्शनल पेपर के रूप में बच्चे क्या रखते हैं, इकोनॉमिक्स रखे हैं, इकोनॉमिक्स। और तीसरा जो है वो कंप्यूटर साइंस, जिसे हम शॉर्टकट में CMS बोलते हैं। तो यदि आप जियोलॉजी रखे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप बोर्ड पे और भी देख पा रहे हैं, टारगेट 2022, आपका जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा बहुत जल्द, वो आपका 2022 को ध्यान में रखते हुए, इसलिए मैंने लिखा टारगेट 2022, 2022 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से कोर्स डिजाइन किया गया है। उससे जो भी पढ़ाया जाएगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा जो टारगेट 2022 वाला जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत जल्द होने वाला है, अनाउंस हो जाएगा, तो उस बैच से आप लोग जरूर जुड़े। अभी आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का फाइनल, और ऑप्शनल पेपर के रूप में आपका जियोलॉजी है ना, तो आप जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है 2022 को टारगेट करते हुए ये मेरा जो है पहला लेक्चर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जनरली क्या करते हैं, जनरली साइंस में क्या रखते हैं आप, अगर कोई मैथमेटिक्स रखा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री उनके लिए अनिवार्य है, और आप एक लैंग्वेज पेपर रखते हैं और एक ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी है ना। बहुत सारे बच्चे क्या रहता है, जो आपका PCB ग्रुप से है, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये अनिवार्य है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, और आप बायोलॉजी रखते हैं, और एक लैंग्वेज पेपर कुल मिला के 400 हुआ और एक ऑप्शनल पेपर 500 हुआ। तो चाहे आप मैथमेटिक्स रखे हैं या फिर बायोलॉजी, आप ऑप्शनल पेपर के रूप में आप यदि जियोलॉजी रखे हैं है ना, तो देखिए ये जियोलॉजी हिंदी में मैंने क्या बताया, भू विज्ञान, भू विज्ञान, भू विज्ञान। क्लास ट्वेल्थ में जो है आपका चार ब्रांच पढ़ना पड़ता है। कितना ब्रांच, चार ब्रांच, 1, 2, 3, 4। और क्लास इलेवेंथ की अगर बात करूं तो तीन ब्रांच पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आज बात करूंगा क्लास ट्वेल्थ के बारे में, जो चार ब्रांच का नाम क्या है जानते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो है आपका नाम है पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी है ना। दूसरा जो ब्रांच है, मैं हिंदी में इस साइड लिख देता हूँ, इसे हिंदी में सेल विज्ञान बोलते हैं, सेल विज्ञान। दूसरा ब्रांच जो है वो आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसे हिंदी में जो है आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है, आर्थिक भू विज्ञान। और जो तीसरा ब्रांच है आपका, इसका नाम है स्ट्रैटिग्राफी, इसे हिंदी में जो है अस्तरित सेल विज्ञान कहा जाता है, अस्तरित सेल विज्ञान कहा जाता है। वहीं अगर चौथे ब्रांच की बात करूं, जो आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ेगा, उस चौथे ब्रांच का नाम है पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। वहीं अगर हिंदी में इनका नाम की बात करूं तो हिंदी में इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। प्रत्येक ब्रांच के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा है ना, लेकिन सबसे पहले देखिए कि आपको क्लास ट्वेल्थ में जो पढ़ना पड़ेगा वो आपको पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी, बोले तो सेल विज्ञान, आर्थिक भू विज्ञान, अस्तरित सेल विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान। इन्हीं चार ब्रांच मिला के आपको टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा जैक बोर्ड में। अगर जैक बोर्ड छोड़ के अगर अन्य बोर्ड की अगर बात करूं तो ऑल इंडिया के सब स्टेट में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है, 7 से 8 स्टेट्स में है ना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, झारखंड हो गया, इस तरह करके आपका 6 से 7 स्टेट्स में जो है ऑप्शनल पेपर के रूप में बच्चे जियोलॉजी रखते हैं। तो मैं जो स्टार्ट किया हूँ ये जैक बोर्ड को स्पेशली ध्यान में रखते हुए, और जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ का फाइनल एग्जाम देंगे 2022 में है ना, उनको ध्यान में रखते हुए। तो मैंने क्या बताया कि चार ब्रांच मिला के आपको 70 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाएगा क्लास ट्वेल्थ में जियोलॉजी में
तो इसका मतलब 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है, 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, तो जरूर है कि 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा, है ना। ये आपका थ्योरी सेक्शन और ये आपका प्रैक्टिकल वाला। जिस तरह आप फिजिक्स में 70 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, जिस तरह केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ठीक उसी तरह आपका जियोलॉजी में भी सेम पैटर्न है, 70 मार्क्स का थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, है ना। आप मेरे साथ यदि ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो आपका मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 70 में 70 लाएंगे, 65 से नीचे कोई भी बच्चे नहीं लाएंगे, यदि मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बना के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप 70 में 70 भी ला सकते हैं, 65 प्लस कोई भूल नहीं है, है ना। तो ठीक है, ये तो हुआ आगे की बात। तो मैं जहाँ तक जियोलॉजी की बात कर रहा था, ये भी क्या है, आप जनरली क्या होता है आपका, ये जियोलॉजी जो है ये भी आपका साइंस का पार्ट है, किसका, यानी विज्ञान का पार्ट है, नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये साइंस का पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो साइंस है यानी विज्ञान, अंडर मैट्रिक तक हम लोग क्या करते हैं, अंडर मैट्रिक तक हम लोग यानी मैट्रिक तक जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स जो पार्ट होते हैं साइंस में, जैसे फिजिक्स की अगर बात करूं, जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करूं, या बायोलॉजी की अगर बात करूं, तो तीनों को एक साथ कंबाइंड हम लोग साइंस के अंडर पढ़ते हैं, अंडर मैट्रिक में, है ना। लेकिन जैसे ही क्लास हम लोग हायर स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं, इंटर में आ जाते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम हो जाता है, आर्ट्स स्ट्रीम अलग हो जाता है, साइंस स्ट्रीम अलग हो जाता है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अंडर मैट्रिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में हम एडमिशन लेते हैं तो यहाँ आपको क्या होता है, इसमें चुनना पड़ता है कि आप साइंस रखेंगे या फिर साइंस के अंडर आप बायो रखेंगे या फिर मैथमेटिक्स रखेंगे। इस तरह से आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बायो भी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल पेपर पर उस वक्त नहीं देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि एक ही बुक के अंडर, है ना, एक ही सिंगल बुक के अंडर हम अंडर मैट्रिक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही हम हायर स्टडी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में आ जाते हैं तो तीनों भाग अलग अलग हो जाता है और तीनों का अलग अलग मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ता है, है ना। तो आपका जो मैं जियोलॉजी की मैं बात कर रहा था, ऑप्शनल पेपर जियोलॉजी, ये भी एक साइंस का पार्ट है। चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए साइंस को जो है जनरली तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा जो है आपका ब्रांच है साइंस का वो आपका नेचुरल साइंस, और तीसरा जो ब्रांच है आपका ये आपका जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस कहिए या जियोलॉजी कहिए, है ना। ये बताने का मकसद मेरा यही है कि जियोलॉजी भी कहीं ना कहीं साइंस का पार्ट है। इसमें मैं डेप्थ में नहीं आऊंगा, बस इसे समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो है इसे हिंदी में खगोलिया विज्ञान कहा जाता है, खगोलिया विज्ञान। इसमें जो है मेन रूप से सोलर सिस्टम का स्टडी होता है इसके अंडर। इस नेचुरल साइंस की बात करूं जिसे हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान, इसको जो है पुनः इस नेचुरल साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड ऑल्सो टू पार्ट्स, यानी आपका एक हो गया फिजिकल साइंस, है ना, फिजिकल साइंस, और दूसरा जो हो गया ये आपका बायोलॉजिकल साइंस। इस फिजिकल साइंस के अंडर जो है फिर इसे दो भागों में बांटा गया है, यानी इसे जो है नेचुरल साइंस को डिवाइड किया गया है आपका फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस के अंडर हम पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं और दूसरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना। और बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो देखिए साइंस का जो है तीन भागों में साइंस को मेनली डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस खगोलीय विज्ञान, और आपका ये नेचुरल साइंस जिसे प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, नेचुरल साइंस को डिवाइड किया गया है फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान को फिर पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोले तो भौतिकी और रसायन,
बायोलॉजिकल साइंस ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी बोलते हैं जू से ही पता चलता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या रहता है, जीव जंतु रहता है, तो इसलिए बोलते हैं जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, और बॉटनी जिसे हिंदी में पादप विज्ञान कहा जाता है। तो खैर ये तो था साइंस के पार्ट। अब मैं बात करूंगा जिसे हम आगे जाके पढ़ना है, हमें जियोलॉजिकल साइंस पढ़ना है, जिसे हम क्लास 12 में ऑप्शनल पेपर के रूप में हम आगे जानेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, है ना। तो आइए बात करेंगे हम तीसरा जो ब्रांच है जो हम आगे कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, वो है जियोलॉजिकल साइंस, जिसे हिंदी में अगर बात करूं तो आपका भू विज्ञान कहा जाता है, है ना। जियोलॉजी जो मेरा साइंस का तीसरा ब्रांच है, इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ जियोलॉजी जो है ये दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के कंबाइंड से जियोलॉजी बना है। क्या बना है? जियोलॉजी, जियो एंड लॉजी। देखिए जियो एंड लॉजी, है ना। तो अगर जियो को जो है अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करो तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, और लॉजी का जो सेंस है यानी लॉजी का जो मतलब है वो आपका साइंस, या फिर लॉजी का मतलब स्टडी भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्टडी, स्टडी, स्टडी। तो जियो जो है जियो प्लस लॉजी से मिलकर बना है जियोलॉजी, और जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है साइंस यानी स्टडी भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ साइंस, है ना। यानी जियोलॉजी को हम अर्थ साइंस भी कह सकते हैं, यानी आपका इसे बात करूं हिंदी में तो इसे भू विज्ञान कहते हैं, भू विज्ञान। और इसी को अगर बात करूं तो अर्थ का मतलब आप जानते हैं पृथ्वी होता है, पृथ्वी या भू भी कहा जाता है, है ना। और साइंस का मतलब विज्ञान, विज्ञान, यानी आपका पृथ्वी विज्ञान कहिए या भू विज्ञान कहिए एक ही बात है। इसका मतलब कि आपका जियोलॉजी में पृथ्वी से स्टडी, पृथ्वी से संबंधित अर्थ से रिलेटेड चीजों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंडर। तो जियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज अर्थ साइंस, यानी भू विज्ञान बोलिए या पृथ्वी विज्ञान बोलिए। इससे ये पता चलता है कि हम पृथ्वी के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चीजें हैं आपका अर्थ से जो रिलेटेड है, चाहे वो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ हो या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ हो, इन सारे चीजों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, है ना। तो देखिए अगर यहां तो था जियोलॉजी की बात, आगे चलिए देखिए। अब जो है अगर जियोलॉजी के फादर की अगर बात करूं, है ना, जो इनके जनक है, इनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है, है ना, इनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। जियोलॉजी के फादर, फादर यानी हिंदी में कहा जाए तो जनक, जनक, है ना। इनके जो फादर ऑफ जियोलॉजी है यानी जो भूविज्ञान के जनक है, इनका नाम है जेम्स हटन। जेम्स हटन जो है ये इनके फादर है जियोलॉजी के। इनके जन्म से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जानना चाहिए 1726 टू 1797। इनका जन्म हुआ था 1726 में और मृत्यु हुआ था 1797 में। और ये जो रहने वाले थे ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, बोले थे स्कॉटिश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फादर ऑफ जियोलॉजी आपका जो जेम्स हटन है ये आपका स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसे स्कॉटिश भी बोलते हैं, स्कॉटिश, है ना। तो ये तो था फादर ऑफ जियोलॉजी के। अगर इंटरनेशनल फादर की बात करें तो आपका जेम्स हटन हो जाएगा, लेकिन स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया की बात करें तो डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी, एक नाम है साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर हेनरी, डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी, ये आपका जो है फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी की बात है ये। अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो जेम्स हटन है, डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी को जियोलॉजिकल फादर ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया क्योंकि जो आपका जो जियोलॉजिकल मैप है, जो इंडिया का जियोलॉजिकल मैप है, वो डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी ने ही इन्वेंटेड किया था, प्रतिपादन किया था, जिनके कारण भारत में भूविज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारतीय भूविज्ञान का पिता कभी कभी डॉक्टर हेनरी वेस्ले वोइसी को ही माना जाता है, लेकिन इन जनरल अगर बात करूँ तो आपका जेम्स हटन है फादर ऑफ जियोलॉजी, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि जो फादर ऑफ जियोलॉजी है जेम्स हटन, ये और किन किन क्षेत्रों में इनका रुचि था या जानकार थे। तो जेम्स हटन के बारे में कहा जाता है, जेम्स हटन के बारे में कहा जाता है कि ये तो जियोलॉजिस्ट है ही, जियोलॉजिस्ट है यानी भूविज्ञान के जानकार है। इनके अलावा है ना, ये केमिस्ट के भी जानकार है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी जो है ये एक्सपर्ट है आपका जेम्स हटन। इनके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यानी इसे कृषि विशेषज्ञ भी कहा जाता है। यानी आपका जेम्स हटन जो है जियोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट भी थे और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट भी थे, यानी आपका रसायन निर्माता थे, इनके अलावा कृषि विशेषज्ञ भी थे और इनके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि पेशे से डॉक्टर भी थे, जिसे हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। चिकित्सक जो आपका देखते हैं, जो दवाई वगैरह देते हैं ना, जो डॉक्टर, तो वही डॉक्टर। देखिए जेम्स हटन सिर्फ आपका जियोलॉजिस्ट ही नहीं, एक व्यक्ति देख पा रहे हैं कितने प्रकार की चीजों में उनका रुचि है, जानकार है। तो आपका डिग्री मायने नहीं रखता है किसी भी व्यक्ति का, आपको अगर उस क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्टेड है, तो आप उस क्षेत्र में आप जो है स्टडी करके, अध्ययन करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब तक तो था जेम्स हटन के बारे में कि आखिर जेम्स हटन कौन है, जेम्स हटन जो है एक जियोलॉजिस्ट के अलावा किन किन क्षेत्रों में उनका इंटरेस्ट है ना। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करूंगा वो आपका स्पेशली जो है आपका सिलेबस पर फोकस होगा। सिलेबस में मैंने जैसे कि बताया कि आपको चार ब्रांच पढ़ना पड़ेगा और चारों ब्रांच के बारे में जो है मैं एज ए डेमो वीडियो उस पर एक एक करके लाते रहूंगा। आप प्लेलिस्ट जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर चेक करें, वहां जियोलॉजी से रिलेटेड समय समय पर वीडियो आते रहेगा एज ए डेमो। कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत जल्द जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप जरूर ऑनलाइन क्लास से जुड़े। तो चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।